एक बंदा बाजार से गुजर रहा था, उसने एक बोर्ड देखा जिस पे लिखा हुआ था गोश्त का बकरा दस्तयाब है। उसको पढ़ के थोड़ी सी हैरत हुई, उसने सोचा कि ये शायद इसने गलत लिख दी है किसी ने बोर्ड, इसको लिखना चाहिए था कि बकरे का गोश्त अवेलेबल है। तो ये सोच के कि इसको करेक्ट कर दूं, अंदर दुकान में चल जाता है, अंदर कसाब से को जाके कहता है कि भाईजान आपने बोर्ड जो है वो गलत लगाया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है गोश्त का बकरा, चाहिए था कि आप लिखते कि बकरे का गोश्त। वो कसाब से कहता है कि ठीक है साहब जी, मैं अभी इसको ठीक करा दूंगा। इतने में उसकी नज़र गोश्त पे पड़ती है तो उसे गोश्त अच्छा लगता है और वो कहता है अच्छा यार ये बताओ ये गोश्त कितने का लगाया हुआ है, कितने रुपए किलो है। वो उसको कहता है भाई इतने रुपए किलो, कहता है यार अच्छा सा 2 किलो तोल के दे दो। तो वो जब गोश्त तोल के उसको दे देता है और वो पैसे ले लेता है, तो दुकानदार उसे कहता है, वो जो कसाब है वो उस बंदे को कहता है कि भाई साहब आप सुबह से 20वें बंदे हैं जो इस बोर्ड को पढ़ के अंदर आए हैं। कहने का मकसद ये है, इसको आजकल की मार्केटिंग की लैंग्वेज में, गुरिल्ला मार्केटिंग में, इसको एक टेक्निक के नाम से याद किया जाता है, जैसे कहते हैं वाइल्ड पोस्टिंग। यानी आप अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से पोस्ट कर दें, इस तरह से रिजेक्ट करें कि कोई अनयूजुअल उसमें एलिमेंट नजर आए, यानी अनयूजुअल वे से उसको पोस्ट करें। इंडिया में एक मोची है, उसने लिखा हुआ है, एक बोर्ड बनाया उसने जिस पे लिखा कि जूतों का अस्पताल या जूतों की जो है वो देखभाल की जाती है वगैरह वगैरह। सो व्हेन यू डू समथिंग अनयूजुअल यू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अब पॉइंट जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप अगर टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयर हैं, कुछ भी हैं, किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, अगर आप भी वैसे ही करेंगे जैसे बाकी सारे लोग कर रहे हैं तो फिर शायद किसी की नज़र आप पर नहीं पड़ेगी या आपको स्टैंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। बट इफ़ यू डू वट एवर यू आर डूइंग विद इन अनयूजुअल वे यू मे स्टैंड आउट, राइट। सो आप अगर स्टूडेंट हैं तो डिफरेंट तरीके से स्टडी करें, टीचर हैं तो डिफरेंट मेथड यूज करें उसको पढ़ाने के लिए, बिजनेसमैन है कोई अनयूजुअल वे अख्तियार करें, और इसी तरह अगर आप एम्प्लॉई हैं सो डू समथिंग अनयूजुअल। बट याद रखिए कि अनयूजुअल में एलिमेंट ऑफ वल्गैरिटी या अनएथिकल चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट दैट मस्ट बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। सो होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। सो इफ यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट डू योर वर्क इन एन अनयूजुअल वे टू गेट द अनयूजुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स।